हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टर्शियरी एक्टिविटीज। इन अर्ली वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द टर्शियरी एक्टिविटीज, व्हिच एक्टिविटीज इंक्लूड इन दिस। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट आल्सो, बट फ्यू टर्म्स आर हैव रिमेनिंग हियर। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम देखते हैं, ट्रांसपोर्ट मीन्स वन प्लेस टू द गुड्स और सर्विसेज सेंड वन प्लेस टू अनदर। तो जो ट्रांसपोर्ट है उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका डिस्टेंस चेक करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कितना किलोमीटर है, तो डेट इज कॉल्ड किलोमीटर डिस्टेंस। कि हाँ, अगर हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं किलोमीटर के अंदर, तो डेट इज कॉल्ड किलोमीटर डिस्टेंस। बट इफ वी कैलकुलेट द टाइम, मान लीजिए दो घंटे, हम कहते हैं कि यहाँ से 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर दूर है, तो इट मीन्स कि हम जो ट्रांसपोर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो किलोमीटर इन डिस्टेंस कर रहे हैं। बट अगर मैंने कहा कि यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, तो वी कैलकुलेट हेयर टाइम डिस्टेंस। हमने क्या कैलकुलेट करते हैं? टाइम डिस्टेंस, यानी ट्रांसपोर्ट के अंदर किलोमीटर डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, और लास्ट वन कि अगर हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो कॉस्ट कितनी आती है। मान लीजिए हमारी खुद का कार है, व्हीकल है, तो उससे कितना आता है। अगर हम गुड्स की बात करें कि कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो अगर ट्रक से जाएगा तो कितना कॉस्ट आएगी, ट्रेन से जाएगा तो कितना कॉस्ट आएगी, तो इस कॉस्ट की डिफरेंस भी आती है। तो हम इस कॉस्ट को मेजर करते हैं कॉस्ट डिस्टेंस की नेम से। दीज इम्पोर्टेंट टर्म्स वी यूज इन ट्रांसपोर्ट। बेटा, दीज थ्री इम्पोर्टेंट टर्म्स टू यूज ट्रांसपोर्ट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू द टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। नाउ विच फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, द टू मेजर फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि कहाँ पर चलता है, तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा डेंसी पॉपुलेशन होगा वहाँ पर चलेगा, तो इट मीन्स कि वहाँ पर गुड्स की ज़्यादा डिमांड होगी, ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा डिमांड होगी। जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इट मीन्स कि डिमांड कि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेट इज डिमांड। और इसीलिए हमने देखा, वी हैव नोटिस डेट कि इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर हम बसेस ज़्यादा देखते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा देखते हैं, तो जो डिमांड है वो ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जहाँ पर ज़्यादा डिमांड होगी वहाँ पर ज़्यादा डेंसी ट्रांसपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ डेंसी पॉपुलेशन होगी। डिमांड कहाँ पर ज़्यादा होगी? जहाँ पर डेंसी पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है रूट्स। अब रूट्स को इफेक्ट करने के लिए रूट्स को कैसे करते हैं, जो डिफिकल्ट टेरेन्स पर है। डिफ़िकल्ट टेरेन्स का मतलब है जहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं, वहाँ पर रूट, हमने देखा कि वहाँ पर जाने का कनेक्टिविटी नहीं होती, तो जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होती है वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो कम देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने देखा, नेक्स्ट जो देखा, क्लाइमेटिकल पार्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रांसपोर्ट। जहाँ पर क्लाइमेट हार्श क्लाइमेट वाली जगह हम देखेंगे कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। एंड द हेयर वेयर द लिंक रोड्स आर गुड एंड द टॉपोग्राफी इज गुड, देयर इज द रूट आर वेल। जहाँ पर रोड अच्छे होते हैं, डेंसी पॉपुलेटेड होता है, क्लाइमेट फेवरेबल होता है, लिंक रोड होते हैं, NH देखते हैं हम, नेशनल हाईवेज ज़्यादा होते हैं, स्टेट हाई
हाईवेज ज्यादा होते हैं वहां पर ट्रांसपोर्ट डेंसिटी मिलेगा और वहां जितने अच्छे रूट्स होंगे वहां पर ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा मिलेगा। तो दीज टू फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंस द ट्रांसपोर्ट और विच आर अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स द आइडियाज व्यूज एक्सचेंज टू ईच अदर। दीज देखो बेटा जो आइडियाज और व्यूज हैं वो एक्सचेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना पॉसिबल है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना पॉसिबल है तो ट्रांसपोर्ट से मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो वहाँ से मैं एक नए आइडियाज नए व्यूज लेकर आऊँगी। यानी कम्युनिकेशन को जो इफेक्ट करा वो किसने किया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर मैं एयर से जाती हूँ, बस से जाती, रोड से जाती हूँ, रेल से जाती हूँ, तो दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड द कम्युनिकेशन। जितने ज़्यादा लिंक आपस में क्लोज होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा, जितने कम लिंक्स होंगे उतना कम कम्युनिकेशन होगा। इसीलिए पुराने टाइम पर जो कम्युनिकेशन था बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, पर आज के नाउअडेज इंटरनेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग व्यू, हम कहीं भी बैठकर कहीं की भी न्यूज़ और खबर ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन मीन्स मास कम्युनिकेशन, जो हम बहुत दूर बैठकर भी कम्युनिकेशन कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, दिस इज कॉल्ड प्रिंट कम्युनिकेशन, इंटरनेट, दीज प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। नाउ इन योर बुक गिवन फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ केस स्टडी रिगार्डिंग टू द टर्शियरी एक्टिविटीज। तो टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है वो टूरिज्म का दे रखा है। तो हम अभी टूरिज्म की बात करेंगे। टूरिज्म का मतलब है, देखो बेटा टूरिज्म इज द लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी। टूरिज्म इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिंगल एक्टिविटी है, जिसके अंदर करीबन इट इज सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टूरिज्म को इफेक्ट करते हैं,
इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, दे आर डिमांड। टूरिस्ट की डिमांड कब होगी, टूरिस्ट यानी लोग टूर पर कब जाना पसंद करेंगे, तो टूर पर जो लोग जाना पसंद करेंगे, अब अगर किसी का ऑफिशियल टाइम इतना है, हैट्रिक है, तो वो जा सकता है बाहर, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जितना ज़्यादा हॉलीडेज मिलेंगे, यानी हॉलीडेज जितने ज़्यादा होंगे, लोग इतने ज़्यादा ही घूमने जाएंगे, हॉलीडेज ज़्यादा होंगे। हॉलीडेज के बाद में, अब हॉलीडेज में फ्री टाइम भी होना चाहिए, तो मीन्स जो लेजर टाइम है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। लेजर टाइम ज़्यादा होना चाहिए, साथ में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ज़्यादा होना चाहिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड जब तक इंक्रीज नहीं होगा, तो लोगों को बाहर घूमने की नॉलेज नहीं होगी, लोग बाहर घूमना, आउटिंग करना पसंद नहीं करेंगे, तो इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड। दीज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, दिस वन इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये तीनों फैक्टर्स किसकी डिमांड इंक्रीज करते हैं, टूरिस्ट की। किसकी डिमांड इंक्रीज करते हैं, टूरिस्ट की। टूरिस्ट की डिमांड इंक्रीज कौन करेगा, जब इंक्रीज इन हॉलीडेज होगा, इंक्रीज इन लेजर टाइम होगा, और इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड होगा। दीज थ्री फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंस, टोटली इन्फ्लुएंस द डिमांड, ये तीनों फैक्टर किसको इन्फ्लुएंस करेंगे, डिमांड को। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इज इफेक्टिंग द टूरिज्म, दैट इज ट्रांसपोर्ट। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो कौन सा है, ट्रांसपोर्ट के अंदर जहां पर लिंक रोड ज्यादा अच्छे होंगे, जहां पर लिंक रोड अच्छे होंगे। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग टूरिज्म में इज ट्रांसपोर्ट, जहां पर वेल लिंक होना चाहिए ट्रांसपोर्ट, वो साथ में क्लाइमेट अट्रैक्शन करता है टूरिज्म को, रोड अच्छे होने चाहिए, एयरवेज रेलवेज का वेल लिंक होना चाहिए माउंटेनियस एरिया और इन एरिया में। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, डेट इज सिंपल। कि आप लोग अगर कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो सबसे पहला फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा वो कौन सा है, क्लाइमेट। सेकेंड कौन सा है, लैंडस्केप, वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, सीन कैसा है, वहाँ की सीनरियाँ कैसी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हिस्ट्री एंड आर्ट्स, कुछ टूरिस्ट को हिस्ट्री और आर्ट्स वाली जगह जाना पसंद होता है, क्योंकि वहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारी हिस्टोरिकल नॉलेज भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कल्चरल एंड इकोनॉमी, यानी कल्चरल एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहाँ पर कल्चर कैसा है। कल्चर जैसे लद्दाख है, लद्दाख के अंदर सिर्फ कल्चर देखने के लिए, राजस्थान के अंदर कल्चर देखने के लिए जाते हैं, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर विच आर अट्रैक्ट द टूरिस्ट, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज मेडिकल, अब हमने देखा कि कुछ टूरिस्ट किसके लिए आते हैं, मेडिकल के लिए, और इंडिया एक मेडिकल हब बना जा रहा है, यानी जो टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं, मेडिकल। हर साल करीबन 55,000 जो पीपल्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, और ये सिंगापुर थाईलैंड इंडिया इज इमर्ज न्यू हब एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन जो हम लोगों को कहते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसके बाद में मेडिकल टूरिस्ट के बाद में जो नेक्स्ट है वो है क्वांटिटेटिव एक्टिविटी। क्वांटिटेटिव
एक्टिविटीज को हम जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, दे आर कॉल्ड क्वाटरनरी एक्टिविटी। नेक्स्ट है क्वाटरनरी एक्टिविटी, ये और भी इससे भी ऊपर मानी जाती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इन लोगों को रखते हैं जो डिसीजन मेकिंग्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकर्स एंड पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसीज बनाते हैं और डिसीजंस लेते हैं, दे आर इंक्लूड इन क्वेरी एक्टिविटीज। और ये नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं, तो इसीलिए हम इसे KPO बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और ये किसके इंक्लूड आते हैं, हाई टेक्निकल इंक्लूड आते हैं, IT सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हम इसे BPO के इंक्लूड रखते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बेटा इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक आपकी इस चैप्टर के अंदर बचता है, दैट इज डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मीन्स क्या है, देखो बेटा आज हमारी जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिजिटल डिवाइड्स। डिजिटल डिवाइड्स मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कम डेवलप हो रही है, जो पीछे रह गए डेवलपिंग कंट्रीज डिजिटल मामले के अंदर, इंटरनेट और अदर फैसिलिटीज डिजिटलाइज के अंदर। हमने ऑब्जर्व किया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो पीछे हैं और जो डेवलप कंट्रीज हैं वो बहुत आगे हैं। तो दैट जो आगे और पीछे है, कि डिजिटलाइजेशन के अंदर डेवलप कंट्रीज बहुत एडवांस हो गई और डेवलपिंग कंट्रीज कुछ पीछे रह गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड। बेटा इन दिस चैप्टर ओनली दीज थिंग्स आर देयर, और इसके बाद में ये चैप्टर्स आई थिंक कम्प्लीट होता है, ऑल टॉपिक्स हैज कवर्ड। ये जो टॉपिक था, ये चैप्टर था, बहुत ईजी था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड योर होमवर्क इज डू टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स ओनली, MCQ बुक के अंदर ही करना है, बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो जो बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं सिर्फ वो ही करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आप प्लीज़ बी अटेंटिव। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।